बावे हुई भटका है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई भटका है बाड़ा जनाब मोहतरम एजाज रजा रतनपुरी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में कलाम पढ़ रहे थे और हजरत मोहतरम इशारे में कह रहे थे कि तमन्ना आरज़ू उम्मीद हसरत सच के बैठी है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तमन्ना आरज़ू उम्मीद हसरत सच के बैठी है, मेरे दिल में पैगंबर की मोहब्बत सच के बैठी है और इधर मेरे सरकार ऊटनी पर जलवा फरमा है, इधर मेरे सरकार ऊटनी पर जलवा फरमा है, उधर अय्यूब अंसारी की किस्मत सच के बैठी है, उधर अय्यूब अंसारी की किस्मत सच के बैठी है। और कहा रिजवाने जन्नत ने चले आओ ए दीवानो, तुम्हारे ही लिए तो आज जन्नत सच के बैठी है, तुम्हारे ही लिए तो आज जन्नत सच के बैठी है। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से हाथ उठा के लहरा के मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जरूर ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूर ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। और जो हजरात अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं हाथों को उठा के लहरा के मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। माँ के ताल्लुक की शेर पढ़ता हूँ समाज फरमाए। जो जो हजरात अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, कि वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। और मेरी माँ ने बचपन में ये कहा था मुझसे कि नबी का जिक्र हर मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र हर मुसीबत को टाल देता है। और हजरात मोहतरम मुनव्वर राना का शेर याद आता है, मुनव्वर राना का शेर याद आता है कि किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माई। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम तनहा नहीं चलते दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब भी निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, मैं घर से जब भी निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। लीजिए जात, अब मैं आपके सामने ऐसे खतीब को पेश कर रहा हूँ जो बेहतरीन अंदाज में खिताब किया करते हैं। हजरत मोहतरम आप हजरत देख रहे हैं मिंबर पाक मुसौफ तशरीफ फरमा, हमारे खतीब अहले सुन्नत सैयद आलिम उल कादरी साहिब क़िबला मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा है। अली और फातिमा जहरा के फूल आए हैं, शाम दी चमकते हुसूल आए हैं, बिछा दो पल के मोहब्बत में रहम में इनकी, नबी की बज़्म में आले रसूल आए हैं, नबी की बज़्म में आले रसूल आए हैं, तशरीफ ला रहे हैं। उम्दतुल मुहक्किकीन, रईसुल मुतकल्लिमीन, खतीबुल बराहीन, सुल्तानुल वाइज़ीन, आशिक निज़ामुद्दीन, खतीब निशान यानी हजरत अल्लामा सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक पूरा मजमा हाथ उठा के लहरा के मुस्कुरा के बोले नारे तकबीर। अल्लाह ने हाथ दिए हाथ सलामत है तो हाथों को उठाइए और मुस्कुरा के बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़ुल्फ़िकार रज़ा संभली एक शेर के साथ बुलाता है, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाएंगे, चेहरों पे पड़ने वाली नजर दे के जाएंगे। यारो ये इस जमाने के वो संतराश हैं, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाएंगे। अब मैं देखता हूँ आप कैसा सुनेंगे, जैसा आप सुनेंगे वैसा मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। करम की बात करो आए है, करम की बात करो या उनकी आता की बात करो, बेशक बहुत खूब। करम की बात करो या उनकी आता की बात करो, ज़बा को पाक करो मुस्तफा की बात करो, सुभान अल्लाह बहुत खूब। ऐसे सुनेंगे तड़प के बोले, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। करम की बात करो या उनकी आता की बात करो, ज़बा को पाक करो मुस्तफा की बात करो, न बात करो जी, जी, जमाने की इन महजबीनों की, न बात करो जमाने की इन महजबीनों की,
मेरे नबी के रुखे वद्दुहा की बात करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो कहता हूँ अक्सर कि दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले और जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले। इधर वाला मोहल्ले वाले नहीं बोलना है, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले और अल्लाह के जलवों की अगर चाहत है, अल्लाह के जलवों की अगर चाहत है तो सरकार के जलवों का नजारा कर ले। सुभान अल्लाह, तो सरकार के जलवों का नजारा कर ले। मुझसे कब बेहतरीन बेहतरीन शुआरा से आपने कलाम सुना। ये हमारे सब उलमा बैठे हुए हैं, इनकी तवज्जो चाहता हूँ, दुआ भी चाहता हूँ। मैं भी कुछ पढ़ दूं मनकबत के दो चार अशआर। जी जी इंशा अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप खुद बोलेंगे के दुनिया वालों। आए हाय हाय क्या बात है, जिंदाबाद। दुनिया वालों तुम्हें क्या जानो, रुतबा से आजम का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आलिम अल कादर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा से आजम का, सर पे हमारे हर लम्हा है, सर पे हमारे हर लम्हा है, साया गौसे आजम का, सर पे हमारे हर लम्हा है, साया गौसे आजम का। तड़प के बोले या गौसे आजम अल मदद, तड़प के बोले या गौसे आजम अल मदद। जिस दम तुम दफन नाना मुझको, ए मेरे अहबाब सुनो। जी 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 क्या बात है भाई जिंदाबाद। अल्लामा हसन फरमाते हैं या इलाही, इधर देखें ए भाइयों, ये दीवाना है दीवाना। जी दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, आए और दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। जिंदाबाद। दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। ये तो दीवाना बन गए, अब दीवाना बनने की आपकी बारी है। जी कि जिस दम तुम दफनाओ मुझको, ए मेरे अहबाब सुनो, कब्र में मेरी तुम रख देना, कब्र में तुम रख देना, शजरागों से आजम का। दुनिया वालों जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। दुनिया वालों तुम्हें क्या जानो, रुतबागों से आजम का। और ये शेर मैं समझता हूँ अहले से बहुत ज्यादा दुआओं से नवाजेंगे, कि मौला अली के नूरे नजर है, मौला अली के नूरे नजर है, जहरा के है लखते जिगर। बेशक बहुत ये आज अगर गौसे आजम का बैकग्राउंड जानना चाहते हो
मैं बता दूं, किसी के बाप, किसी का बाप होता है, किसी मस्जिद का इमाम होता है, किसी का नाना किसी दरगाह का मुजाविर होता है, किसी का दादा किसी दरगाह का सज्जादा नशीन होता है, तो लोग बड़ा फख्र महसूस करते हैं और कहते हैं देखो मेरे नाना की अजमत को देखो, फला हाथ चूमता है, मेरे दादा की अजमत को देखो, फला दस्त बोसी करता है। लेकिन गौसे आजम का अरे बैकग्राउंड सुन लो, अरे गौसे आजम वो है जिसका नाना अली फलियों का सरदार है और नाना सैयदुल अंबिया तमाम नबियों का सरदार है। अरे कौन अली, बात चल रही है गौसे आजम के नाना की, अली के नूरे नजर है। अब बात करने लगा हूँ मौला ए कायनात की, लेकिन ए सुन्नियों ए मनियों के गयूर मुसलमानों, अली का जब नाम आता है दीवाना मचल जाता है। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा बल्कि साद इब्ने अभी वकास कह रहे हैं, जब हमें पता नहीं होता था कि कौन अपना है, जब हमें पता नहीं होता था कौन बेगाना है, जब हमें पता नहीं होता था कौन मोमिन है, जब हमें पता नहीं होता था कौन मुनाफिक है, नबी के विसाल के बाद जब हमें ये पता लगाना होता था कौन अपना है कौन बेगाना है, तो हम अली के जिक्र को कर देते थे। अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा खिल जाता था समझ जाते थे मोमिन है, और जिसका चेहरा मुरझाता था समझ जाते बुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आलिम कादरी साहिब क़िबला, सरजमीन मढ़ई शरीफ, जिला मुरादाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए मेरे प्यारों, ए मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये गौसे आजम किसी और की अता नहीं है, गौसे आजम मौला अली की अता है, गौसे आजम हुजूर के मौजदा है। ए मेरे प्यारों, अरे गौस का बैकग्राउंड लगाने की बात करते हो, आओ बता दूं ये अली कौन है, अली कौन है। अरे आज आप पैदा होते हो तो किसी दुकान में होते हो, कोई किसी अस्पताल में होता है, कोई किसी दुकान में होता है, लेकिन अली तेरी विलादत भी निराली और तेरे बेटे गौस की विलादत भी निराली। अरे इधर ना तो बाप का जवाब है ना इधर बेटे का जवाब है, अगर विलायत मिली है तो अली के दर से मिली है, और वलियों का सरदार सरदारी की बात आई है तो गौसे सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आलिम कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभानअल्लाह। मेरे प्यारों, गौसे आजम के वालिद कौन है? आपको पता है गौसे आजम के वालिद का नाम? 11वीं की महफिल रखने वालों, क्या आपको गौसे आजम के वालिद का नाम पता है कौन है? गौसे आजम के वालिद का भी जवाब नहीं है, जिनका नाम है हजरत अबू सालेह। आज से पूछा जाए गौसे आजम की वालिदा का नाम क्या है? 11वीं की फातिहा लगवाते हो, बड़े कहते हो गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपसे पूछा जाए कि गौसे आजम के वालिद का नाम क्या है? आपसे पूछा जाए गौसे आजम की वालिदा का नाम क्या है? गौसे आजम के नाना का नाम क्या है? गौसे आजम की कितनी बीवियां थी? गौसे आजम के कितनी औलादें थी? आप खामोश नजर आएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फला फिल्म में कौन सा हीरो था, तो आप कहेंगे अरे मौलाना, आप कहेंगे अरे उसमें तो ये था, उसका नाम तो ये था। लेकिन सुनने वालों सुनो, गौसे आजम के नाना मौला एक कायनात की वो शान है, जब आप पैदा होते हैं तो किसी मकान में नहीं होते, किसी दुकान में नहीं होते, किसी अस्पताल में नहीं होते, किसी कल्याण में नहीं होते, ए गौस के नाना ए अली आप पैदा होंगे तो कहां होते हो? जवाब मिलता है अली की पैदाइश किसी खाने किसी की खोर कुछ घर में नहीं, बल्कि खाने खुदा खाने काबा में हुई है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठा के बोले या गौसुल मदद, या गौसुल मदद, या गौसुल मदद, सैयद आलिम कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुनना चाह रहे हो नहीं सुनना चाह रहे हो? अभी तकरीर शुरू नहीं की है, अभी तो मैं जिस अपने मौजू पे आया भी नहीं हूँ। मैंने कुरान की जिस आयत करीमा की तिलावत की उधर आया नहीं हूँ, सिर्फ एक शेर की तशरीह करने लगा था। लेकिन बात पूरी कर दूं, मौलाए कायनात पैदा तो हो गए हजरत खाना काबा में पैदा तो हो गए, लेकिन मौलाए कायनात आंखें नहीं खोल रहे हैं। औरतों का मामला होता है, औरतें तो एक सुनती हैं दस कहती हैं। किसी ने कहा अरे चेहरा तो बड़ा प्यारा है, मुखड़ा तो बड़ा नियारा है, अरे कहीं अबू तालिब के घर में बड़ा सोना आया है, लेकिन सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, लगता है बेरा है, कोई कहने लगा गुंगा है। नबी के आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, खिसरवे खूबा आ गए, सयाहे लामका आ गए, नाजिशे हर दो जहां आ गए, कौनैन के वाली आ गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, शमे बज़्मे हिदायत आ गए, नौशे बज़्मे जन्नत आ गए। कहने लगे ए चाची, सुनने में आया है कि अल्लाह ने आपको चांद जैसा भाई अता फरमाया। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ने आपको चांद जैसा भाई अता फरमाया है मेरे प्यारो। कहने लगे अब मैं बताना चाहता हूँ। कहने लगा हज़रत फातिमा बिनते असद मौलाए कायनात की वालिदा हैं, फरमाती हैं, अर्ज करती हैं बारगाहे रिसालत में, अभी मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया है, अभी मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया है। कहने लगी ए मेरे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ए मेरे भतीजे, अरे भाई तो आया है लेकिन सुनता नहीं है, बोलता नहीं है। मेरे आका ने फरमाया ए चाची जान, मेरे भाई को मेरी गोद में तो दे दो, मैं झूला तो झूला दो। अरे अली तेरी किस्मत पे कुर्बान, अगर अल्लाह ने तेरे झूला झुलाने की बात आई है तो किसी और ताई की गोद को ने मुंतखब फरमाया, सारे नबियों के सरदार की गोद को मुंतखब फरमाया। जी सुभान अल्लाह बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद। लेकिन मौलाए कायनात हजरत फातिमा बिनते असद मौलाए कायनात की वालिदा है, आपको गोद में देती है, जैसे ही गोद में देती है, अरे जो मुस्तफा, अरे जो अली आंखें नहीं खोल रहे थे, अभी आंखें अली ने नहीं खोली, मुस्तफा की गोद में आए, अली ने आंखें खोल दी है। अब देखिए मैं बताना चाहता हूँ, पहले स्टेज की तवज्जो चाह रहा हूँ। मेरे प्यारो, किसी ने पूछा ए अली खाना ए काबा तो खुदा का घर था, अरे वो घर था जिसको फरिश्तों ने बनाया था, वो घर था जिसको आदम ने बनाया था, वो घर था जिसको इब्राहिम ने बनाया था, वो घर था जिसको इस्माइल ने बनाया था। ए प्यारे, तूने आंखें क्यों ना खोली? जवाब दिया, अरे सुन लो, जिस घर में आंखें ना खोली वो काबा था, और जिस गोद में आंखें इसीलिए तो सुन्नियत की जान फरमाते हैं, इसीलिए तो हक्कानियत की पहचान फरमाते हैं। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा पढ़ लेना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आलिम القادر صاحب قبلہ, सैयद आलिम القادر صاحب قبلہ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये मेरे गौसे आजम का बैकग्राउंड है। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? किसी का बाप प्रधान जो के पूरे शौचालय गायब कर गया, डकार गया, तुम कहते हो उनका भतीजा हूँ, उनका भतीजा है। बड़ा नाज होता है, बड़ा सीना चौड़ा होता है, और वो विधायक के घर में हो तो डायरेक्ट कहता है मैं तो विधायक प्रतिनिधि हूँ, मैं तो विधायक का प्रतिनिधि हूँ, बड़ा चौड़ा होता है। लेकिन कसम खुदा की, अरे अली का घराना देखो, गौसे आजम का घराना देखो, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद। मेरे प्यार
सरकारों, ये गौसे आजम की विलायत का मामला हो रहा है, विलायत के चर्चे हो रहे हैं, आज तुम गौसे आजम का तज़किरा कर रहे हो। मैंने पूछा ए गौसे आजम, अरे मैंने पूछा बुजुर्गों से पूछा, ये उलमा बेटे हैं इनसे पूछता हूँ, ये जिक्र क्यों कर रहे हैं गौसे आजम का, क्या इन्होंने गौसे आजम को देखा है, क्या इन्होंने गौसे आजम के जलवों को देखा है, क्या इन्होंने गौसे आजम की करामत को देखा है, क्या इन्होंने गौसे आजम के कमालात को देखा है, क्या इन्होंने गौसे आजम की खूबियों को देखा है, जिक्र क्यों कर रहे हैं ए गौसे आजम, आखिर वजह क्या है, ये तो दीवाने हो गए आपके नाम पर, ये तो मस्ताने हो गए आपके नाम पर, कहा है मेरे प्यारो सुन लो, ए मेरे प्यारो सुन लो, अरे जिस बंदे पर मैं अपना नजरे करम कर देता हूँ वही मेरा नाम लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आलिम अल कादिर साहिब क़िबला, सैयद आलिम अल कादिर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मैं बताना चाहता हूँ, हर कोई अपने आप को वली कह रहा है, हर कोई अपने आप को वली कह रहा है, और हर कोई मुरीद अपने पीर को विलायत का सर्टिफिकेट दे रहा है, कोई कुतुब बना रहा है, कोई अब्दाल बना रहा है, अरे वो गौसे आजम थे जो चोर को वली बना देते थे, वो गौसे आजम थे जो चोर को कुतुब बना देते थे, आज तो पीर ऐसे ऐसे फिर रहे हैं मुस्तंडे पीर, जिन्हें नमाजों की फिक्र नहीं है, जिन्हें रोजों की फिक्र नहीं है, कह रहे हैं हम पीर हैं, कह रहे हैं मौलवियों से नहीं बनती है, कह रहे है हमारी तो फकीरी लाइन है, हम तो तरीकत वाले हैं, हम तो तरीकत वाले हैं, हमें इन मौलवियों से समझ में नहीं आएगा। अब मैंने कहा जब तू तरीकत वाला है तो कादरी गुलाम से सुन, तरीकत क्या है, मैंने कहा फशरीयतुन कसफीनतिन व तरीकतुन कलबहरी व हकीकतुन सुजुनगला, अरे शरीयत वो है, अरे शरीयत किसकी तरह है, वे कश्ती की तरह है, फशरीयतुन कसफीनतिन, शरीयत जो है की तरह है, तरीकतुल कल बहर, तरीकत जो है वो समंदर की तरह है, वह हकीकतुल जुलुन खला, और हकीकत जो है वो उस मोती की तरह है, जैसे के बगैर शरीयत के, जैसे के बगैर कश्ती के कोई दरिया की सवारी नहीं कर सकता, और गोता लगाए बगैर मोती हासिल नहीं कर सकता। मैंने कहा प्यारे अगर तू तरीकत में आएगा तो तुझे शरीयत से गुजरना पड़ेगा, तुझे नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, तुझे रोजा भी रखना पड़ेगा, तुझे ज़कात देनी भी पड़ेगी, तुझे हज भी करना पड़ेगा, तुझे हुकूकुल इबाद भी अदा करना पड़ेगा। अगर तू पीर है तो कसम खुदा की सुन्नी तुझे सीने से लगा लेंगे, अगर तू पैर है तो फुटबॉल बना के उड़ा देंगे। जी जी, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पढ़ा। जी जी, क्या बात, तुम्हारे यहाँ तो नहीं आता कोई ऐसा पीर, आज जाहिल भी है, आज जाहिल भी है, आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है, आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। मैंने कहा किसी पीर से, किसी मुरीद से नहीं पूछूंगा, किसी मुफ्ती से नहीं पूछूंगा, किसी से और से नहीं पूछूंगा कि वली कौन होता है। मैंने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, ए मौला तू बता दे, हर मुरीद अपने पीर को वली बता रहा है, हर चाहने वाला अपने पीर को कुतुब बता रहा है, कोई अब्दाल कह रहा है, कोई विलायत का चश्मा कह रहा है, लेकिन मौला तू बता दे, तेरे कलाम में तो किसी बात का डाउट नहीं है, ए अल्लाह तू बता दे कि वली कौन होता है, ए मौला तू बता दे कि वली कौन होता है, वली की पहचान क्या है, अल्लाह वाला कौन है। तो कुरान ने रहनुमाई फरमाई, ए प्यारे अगर तू अल्लाह के वली की निशानी चाहता है, अगर तू चाहता है अल्लाह के वली के बारे में जानना, तो कुरान पर, कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। कुरान ने कहा वइबादु रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, अरे जो अल्लाह वाला होता है वो इतरा के जमीन पर नहीं चलता है, अरे वो जब चलता है तो निगाहों को नीचा करके चलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद।
वो निगाहों को नीचे करके चलता है। लोग समझ रहे होते हैं, अरे इसे तो इसकी नजरें नीची हैं, ये तो न तो दाएं का देख रहा है न तो बाएं का देख रहा है। लोग समझते हैं ये तो चला जा रहा है, लेकिन इन्हें नहीं पता ये गफलत में है, ये सिर्फ जमीन को नहीं देखता है। जब ये निगाहें नीचे कर लेता है तो धातु सरा को देख लेता है, जब निगाहें उठा लेता है तो अर्श आजम उलाइजा कर ले। अर्श आजम मुलाहिजा कर लेता है। मैंने कहा कि एक ही निशानी है क्या? तड़प के बोलो, तड़प के बोलो, खत्म कर दूं क्या? सुनना चाहते हो ना तो तड़प के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे लग रहा है जाग रहे हो, जाग रहे हो और सोच रहे हो कि हम तो जाम पीकर जाएंगे, हम तो मोहब्बत का जाम पीकर जाएंगे, हम तो गौस के दीवाने हैं, हम तो गौस के मस्ताने हैं। गौस आजम आप नजरे करम कर दीजिए इन गुलामों पर, इनकी बिगड़ी को बना दीजिए। अरे सर्दी का मौसम है, रातों को कुर्बान कर रहे हैं, अरे मेरा यकीन है गौस की नजरे करम तुम पर हो गई तो कसम खुदा की दुनिया में भी कामिया और आखिरत में भी कामिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत जी जी। मेरे प्यारों, अल्लाह फरमाता है वइदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। अल्लाह वाला जो होता है ना वो जाहिलों से बहस नहीं करता। वइदा खातबहुम, बात बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कुरान कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू एड्रेस अकॉर्डिंग टू होली कुरान। मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूँ कुरान की, फिर हदीस की तरफ आऊँगा, फिर अकवाल की तरफ आऊँगा। मेरे प्यारो, अल्लाह फरमा रहा है वइदा खातबहुम जाहिलून कालू सलामा। अरे जब कोई जाहिल इनसे उलझता है, जब कोई जाहिल इनसे बहस करता है तो ये उससे बहस नहीं करते बल्कि सलाम मुतार कर देते हैं और दूर हो जाते। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल, सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल के मोटे मोटे हाँ हजरत गलत तो नहीं कह रहा स्टेज से है? मोटे मोटे और दौड़ते इधर दबा रही हैं टांगे, दौड़ते इधर टांगे दबा रही हैं। मेरे प्यारो, ए मेरे प्यारे, ए गुलाम गौसे आजम के ए प्यारे, इधर देख, इधर देख, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, तू मुझे देख, मैं क्या बताओ कोई मैं बुरा लग रहा हूँ आपको? अरे आ जाओ, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि है देखने की सारी बहार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, हमेशा नक्श रहे सुए यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजू मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद आलिम कादिर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। टांगे दबा रहे टांगे, टांगे दबा रहे टांगे, लेकिन सुनो ये उलमा मौजूद हैं, ये तुम्हारे सरों के ताज हैं। अरे यही वजह है आज तुमने इनके दामन छोड़ दिया है, आज तुम इन्हें हकारत की नजरों से देखने लगे हो। ये जाहिल पीर तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। कायनात में तवज्जो चाह रहा हूँ, कायनात में अगर सबसे बड़ा पीर है तो वो कौन है? मुस्तफा जाने रहमत। जी जी जी, बहुत बहुत।
कायनात में सबसे बड़े पीर कौन है? अरे वो हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है इन्नल लजीना युबायउनका इन्नमा युबायउनल्लाह यदुल्लाहि फौकाइदीहिम। ए महबूब, ये जो लोग सुलह हुदैबिया पे आपके हाथ पर बैत करते हैं ये हकीकतन आपके हाथ पे नहीं, हकीकतन हाथ तो आप ही का है लेकिन ये अल्लाह के हाथ पे बैत करते हैं यदुल्लाहि फौकाइदीहिम। अल्लाह का इनका हाथ, अल्लाह का हाथ इनके हाथों पर है। ए मेरे प्यारो, कायनात में बैत सबसे पहले हुई तो बैत दीवान हुई मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। कायनात में सबसे आला और फा कोई जात है तो मुस्तफा की है, लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत से औरतों ने मुसाफा करना चाहा, जब औरतों ने मुस्तफा जाने रहमत से हैंड शेक करना चाहा, शेक हैंड करना चाहा, तो मुस्तफा ने फरमाया अनाला अनाला और मुसाफी हूँ निसार, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। अरे ये कायनात के दूल्हा बता रहा है तुमको, ए कौम, ए मेरे उम्मतियों, अरे जो शरीयते मुस्तफा को फॉलो करेगा और मेरा मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा और मेरे फरामीन को आप तक पहुंचाएगा, समझ जाना वही तुम्हारा पीर होगा। और जो शरीयते मुस्तफा को नहीं मानेगा वो पीर नहीं होगा, वो पैर होगा। जी जी जी, जी बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। जी जी जी, लेकिन मैंने कहा एक कुरान और बता कितनी निशानी है। पहले जब वो चलते हैं तो निगाहों को नीचे करके चलते हैं, याद करके जाना, याद करके जाना है, निगाहों को नीचा करते हैं। दूसरा किसी जाहिल से बहस नहीं करते। तीसरी क्या है, अब देखो कुरान को कोट कर रहा हूँ, तीसरी निशानी क्या है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अरे अल्लाह वाले वो हैं जो अपनी रातों को कभी सजदों में गुजारते हैं, कभी क़याम में गुजारते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, क्या बात। अल्लाह वाले अपनी रातों को कभी सजदों में गुजारते हैं, कभी कयाम में गुजारते हैं। अरे पूछा ये सजदों में क्यों गुजारते हैं? ए अल्लाह वालों, अल्लाह ने तुम्हें वो तकर्रुब दे दिया है। ए गौसे आजम, आप बताइए क्या कहते हो, आप बताइए क्या कहते हो, आपने बड़ी इबादतें की हैं, आपने रियाजत की है, आपने बड़ा ताप के बाद बड़ा तकवा है, आप जोहद के मालिक हैं, लेकिन इतनी इबादत क्यों करते हो, हमेशा सजद को सजदे में क्यों झुकाते हो? जवाब आया, जब मैं सजदे में सर को झुकाता हूँ मेरे रब से मेरी मुलाकात हो जाती है, दुनियादार से मुलाकात करने में इतना लुत्फ नहीं आता जितना कि मेरे रब से मुलाकात करने में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आलिम कादर साहिब तिबला, सरजमीने मढ़ियो शरीफ, जिला मुरादाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, वो कभी अपनी रातों को कायम में गुजारते हैं, सजदे में गुजारते हैं, कभी अपनी रातों को कयाम में गुजारते हैं। पूछा ये तो बता दो, आजकल के पीर तो ये है मौलवियों के पीछे होती नहीं है, होती नहीं है। बोले मौलवियों के पीछे तो होती नहीं है, क्यों नहीं होती भाई? बोले हम तो खाने काबा में पढ़ते हैं, हम तो कभी हरम में, कभी मदीने में, कभी मस्जिद नबी में। मैंने एक बार मेरे पास, मैं केरला में जब पढ़ रहा था उस वक्त मेरे पास फ़ोन आया और मेरा दोस्त था केरला कर्नाटक का, उसने कहा मेरे वालिद साहब चेयरमैन भी हैं सब दबद यार, एक पीर साहब आए हैं वो तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा क्या हो गया? बोले वो तो ये कहते हैं कि हमारी नमाज तो इन मौलवियों के पीछे नहीं होती, हम तो कभी अपने, कभी किसी दिन अब खाना एक काबा में पढ़ते हैं, किसी दिन क्या बोलते हैं मस्जिद नबी में पढ़ते हैं, यहाँ इन मौलवियों के पीछे पढ़ें या 1,00,000 का सवाब पाएं। अल्लाह अल्लाह, कहा हजरत बड़ा कौम जो है बड़ा गलत मैसेज जा रहा है कौम को, कुछ इसलाह फरमाए। मैंने कह दिया ये बता दो पीर साहब का खाना बंद कर दो। वो कहने लगा हजरत मजाक कर रहे हो।
मैंने कहा प्यारे ये तो बता तेरा रसूख है। बोले हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा खाना बंद कर दे। मैंने कहा कुछ पीने को मत दे, उन्हें खाने को मत दे, उन्हें नजराना दे, उन्हें पैसा दे और कहना ए पीर साहब आपकी अजमत को सलाम, आपकी रिफत को सलाम, आप तो कभी खाना एक आवा जाते हैं, आप तो कभी मदीना जाते हैं, अरे यहाँ के खाने में क्या मजा, अरे जाइए वहां से साना, अरे जाइए वहां से खाना खाइए और कुछ हम मुरीदों को भी लाइए, इसलिए यहाँ के खाने में मजा नहीं है। जो आका के खाने में है, जो आका के दर के खाने में है, जो आपे जमजम में है। अब पीर साहब बोल। पीर साहब मैंने कहा या तो भाग जाएंगे या सुधर जाएंगे, या तो भाग जाएंगे या तो भाग जाएंगे या सुधर जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारो खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समयहिम व अला अबसारहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ए मेरे प्यारो, अरे आवाज आई कि पीर साहब सुधरे तो नहीं भाग गए। पीर साहब भाग गए भाई, उसका फोन आया, फोन आया, बोले हजरत भाग गए। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, बस्ती में बड़ी रहमतें नाजिल हो रही होंगी। बस्ती में ये तो शैतान था, खुद भी शैतान था और पब्लिक को भी शैतान कर रहा था। ये नमाज नहीं पढ़ते हैं और ऐसा लगता है जन्नत दोज़ख इनके बाप की है। कहते तू तो जन्नती है, हमारा मुरीद है। लेकिन जब बात है ए अल्लाह वालों की निशानियाँ क्या है, मैं तवज्जो चाहूंगा अल्लाह वालों की निशानियाँ क्या है, तो कुरान कहता है वल्लदीन यकूलूना रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना खरामा। अरे जब इन पर इनके सामने जहन्नम का जिक्र होता है, अरे कसम से तो कहते रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए मेरे मौला जहन्नम के अज़ाब को हमसे दूर कर दे, इन्ना अज़ाबहा काना खरामा। अरे ये तो अरे गले का बहुत बुरा पंदा है, इन्ना साथ मुस्तकरा व मुखामा, ये तो बहुत बुरा ठिकाना है। ए मेरे मौला हम तेरे आओगे ए तौबा करते हैं, ए मौला हमें जहन्नम की आग से बचा दीजिए। अल्लाह वालों की ये निशानियां होती हैं। लेकिन मेरे प्यारो गौसे आजम क्या फरमाते हैं, गौसे आजम वो जो के सजदे में गुजार रहे हैं रातों को, जो के कयाम में गुजार रहे हैं, विलायत बांट रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, लेकिन जब गौसे आजम कहते हैं ए मेरे मौला जब कयामत के दिन तो मुझे उठाए तो ना भी ना उठाना। जी 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 अल्लाहु अकबर। क्या उठाना? अंधा उठाना। ये गौसे आजम पीरों के पीर है, पीरों के पीर कह रहा है। क्या कह रहा है कि मौला मुझे कयामत के दिन अंधा उठाना। मेरे प्यारों हमारी इबादत क्या इबादत है? हम तो अपने माँ बाप को भी सताते हैं, हम तो पड़ोसियों के हुकूक को भी पामाल करते हैं, हम तो इमामों की भी तोहीन करते हैं, हम तो उलमा की शान में गुस्ताखियाँ भी करते हैं, हम तो किसी जवान की इज्जत नहीं करते, हम तो बूढ़े की इज्जत नहीं करते, छोटों पे शफ़क़त नहीं करते, और हम दावा करते हैं जन्नत हमारी है। लेकिन वागोस आपने ऐसा क्यों कहा? आप तो विलायत के तहदार हैं, आप तो वली बनाने वाले हैं। वो उस फरमाते हैं मैं गुनाहगार हूँ। अरे जब अल्लाह मुझे क़यामत के दिन उठाएगा, जब मैं आका की तरफ जाऊंगा तो मैं अपने आका को क्या मुंह दिखाऊंगा? जी 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 अल्लाह। मेरे प्यारो हमारे हाल देखो और इन पीरों के हाल देखो। मैं इस बात को बता रहा हूं, सबसे ज्यादा अहले सुन्नत वल जमात को अगर नुकसान हुआ है तो इन झोला छाप पीरों से हुआ। कौन से झोला छाप? कौन से छाप? जैसे के कभी गांव में सीएमओ का दौरा हो जाए तो झोला छाप अपनी सिरिंज को भी उठा लेगा, है?
अरे सब अटरम सटरम जो एक रुपए की दस गोलियां हैं उन्हें भी उठा लेगा, भागना शुरू कर देगा। इसी तरीके से ये झोला छाप पीर अगर किसी कामिल वली को देख लेते हैं तो ये रास्ता बदल देते हैं। इसलिए इसलिए जहां अल्लाह का वली होता है शैतान भाग जाता है, जहां अल्लाह का जिक्र होता है शैतान भाग जाता है। मेरे प्यारो, मैंने कहा ए मेरे मौला और अल्लाह वालों की निशानियाँ क्या है, अल्लाह वालों की निशानियाँ क्या है, तो कुरान कहता है खर्च करते हैं लेकिन फिजूल खर्च नहीं करते, पकान भाई नजाली का कबामा, और ये दरमियानी रवि को इख्तियार। जी 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 हजरत, बहुत बहुत अल्लाह वाला कंजूस नहीं होता है, होता है अल्लाह वाला कंजूस होता है जो? अल्लाह वाला कंजूस नहीं होता है, अल्लाह वाला कंजूस नहीं होता है, बल्कि बुजुर्ग फरमाते हैं जब किसी बुजुर्ग से मिलो तो नजराना दिया करो। इनकी निशानी बता दूं, ये लेते भी हैं, इनकी ये लेते भी हैं, ये अमीरों से लेते हैं गरीबों में बांट देते हैं, गरीबों में बांट देते हैं। मेरे प्यारों, गौसे आजम की शान देखो, गौसे आजम की शान देखो, क्या शान है। अरे कोई तो गरीब को कोई तो क्या मानता है, कोई प्रॉपर्टी बांटता है, अरे कोई दौलत बांटता है, कोई हीरे बांटता है, कोई जवाहरात बांटता है, लेकिन तुम उस पीराने पीर के बांटने वाले हो जो तो बांटता है, मोती तो बांटता है लेकिन साथ में विलायत भी बांटता है। वो साथ में विलायत भी बांटता है, विलायत बांटता है। बात खत्म कर रहा हूँ, विलायत क्या खत्म कर दूँ ना बात, विलायत भी बांटता है। वो क्या करता है, विलायत भी बांटता है। क्या कदम, एक शख्स ऐसा था जो मुरीद नहीं था किसी का, उसके घरवाली भी मुरीद थे, उसका बेटा भी मुरीद था, उसकी बेटी भी मुरीद थी, लेकिन वो किसी का मुरीद नहीं था। रोज बीवी लड़ाई लड़ती थी कि आप मुरीद हो जाइए, रोज बीवी लड़ाई लड़ती थी आप मुरीद हो जाइए। अरे अब देखो मेरे प्यारो, ये मुरीद नहीं होता था, एक दिन इसकी समझ में आ गई और कहने लगा ठीक है। अरे वुजू करा इसने और कहा अब जो रास्ते में सबसे पहला आदमी मिल जाएगा मैं उसी से मुरीद। क्या, जो रास्ते में पहला मिल जाएगा उसी से मुरीद हो जाऊंगा। अब दो बज रहे थे भाई साहब रात के, क्या दो बज रहे थे, दो बज रहे थे रात के। अब जब दो बज रहे होंगे रात में, कुछ दो बजे शरीफ आदमी निकलेगा घर से, कोई शरीफ आदमी निकलेगा रोडों पे है। अब ये गए, इन्होंने उसे पकड़ा कि मुझे मुरीद कर लो, मुझे मुरीद कर लो, मुझे मुरीद कर लो। कहने लगा भाई अभी अभी तो चोरी करके आया हूँ, तुझे मुरीद कैसे कर लो, अभी अभी तो चोरी करके आया हूँ, तुझे मुरीद कैसे कर लो। कहा मुझे नहीं पता, घर से कसम खा के निकला था जो पहले मिलेगा उसी से मुरीद हो जाऊंगा। कहने लगा अच्छा ये तो बता दे कि तू जो पीर की हर बात मानी जाती है, कहा मानी जाती है, हर बात मानेगा, कहा मैं हर बात मानूंगा, कहा मेरा पीछा छोड़ दे, बोले ये बात के अलावा हर बात मानूंगा, मुझे मुरीद कर लो, मुझे मुरीद कर लो। कहने लगा मैं चोर हूँ, अरे मैं तो डाका डालने वाला हूँ। कहने लगा मुझे कोई गरज नहीं है, मुझे तो मुरीद होना है। कहने लगा ये तो बता दे अगर मैं लाइव चोरी करके दिखा दूं, तेरे सामने चोरी करके दिखा दूं, तेरे सामने चोरी करके दिखा दूं, जब तो यकीन कर लेगा, जब तो यकीन कर लेगा। कहने लगा ठीक है, ये कहीं और ना गया। कहा ये जो पीर साहब है ये अपने जुब्बे कुब्बे में अरे बाशरफी टांगते हैं, मोती टांगते हैं, बड़े बड़े कीमती जुब्बे पहनते हैं, आइए मैं इनके घर में चोरी करता हूँ। गौसे आजम के घर में चला गया, चोर चला गया, ये जो मुरीद होने आया था ये बाहर है। गौसे आजम के घर जब चोर गया, इनने देखा मुसल्ले हैं, सिर्फ मुसल्ले नजर आ रहे हैं। अचानक से गौसे आजम को देखा इबादत तो रियाजत में मसरूफ है, अचानक से एक आहट हुई, ये किवाड़ के पीछे झुक गया, ये गेट के पीछे झुक गया। अरे आहट हुई थी, अभी तो देखता था सिर्फ गौसे
आजम तनहा थे, अचानक गुफ्तगू की आवाज आ रही है, कौन आया है गौस की बारगाह में? मैंने पूछा, जब रिवायत को पढ़ा है तो गौसे आजम की बारगाह में कोई और ना आया, खुदा अलैहि सलातु व सलाम आए हैं और कह रहे हैं, ए कुतुब लखबार, ए गौस लखबार, महबूब सबहाने, कंदीले नूराने, सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, मशरिक के अंदर कुतुब का इंतकाल हो गया है, नमाज फजर से पहले कुतुब का इंतजाम कर दीजिए, अरे ताकि वो उस कुतुब की नमाज जनाजा भी पढ़ा सके। अब ये चोर जो है वो से आजम के गेट के पीछे छुप रखा है, वो से आजम ने फरमाया, खिजर जाओ, कुतुब जो है हमारे दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। शक बेशक, हमारे गेट के पीछे छुपा हुआ है, चोरी करने आया था। कहने लगा, हुजूर मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। कहा, आना तेरा काम था, आना तेरा काम था, बनाना हमारा काम है। जी 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 हजरत, बनाना हमारा काम है। गौसे आजम ने उसे कुतुब बना दिया, चोर को कुतुब बना दिया मेरे प्यारो। अब बनाया, गौसे आजम के पास रहा, मेरे गौसे आजम निगाहे विलायत से बाहर देख रहे थे और कह रहे थे, अरे जो बाहर आदमी तुझसे मुरीद होना चाहता है उसे मुरीद भी कर ले, उसे मुरीद भी कर ले, जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। अरे ये गौसे आजम की नजर है जो फिलहाल जो के चोर को वली बना देती है, वली तो वली क्या कुतुब बना देती है, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, जब मेरे गौसे आजम चोर को वली बना दे, कुतुब बना दे, तो आमिना कलाल गुनाहगारों को जन्नती क्यों ना बनाएगा, गुनाहगारों को जन्नती क्यों ना बनाएगा। अरे क्या होता है जब अल्लाह की बारगाह में आका, मेरे आका, आपके आका, अरे जब दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह कहेगा, फौलाइका युबदिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात वकानल्लाहु गफूर रहीमा, तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। ये अल्लाह की शान है मेरे प्यारो। अरे जब गौसे आजम का मरातिब ये है तो आमिना के लाल के मरातिब क्या होंगे, आमिना के लाल के मरातिब क्या होंगे, जिससे कायनात चमक रही है, जिससे कायनात चमक रही है। अरे वो आका जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला वो होला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो तो अच्छा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आलिम कादिर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारो गौसे आजम के चाहने वाले कितने हैं बताइए? सब गौसे आजम के चाहने वाले हैं। गौसे आजम की निस्बत क्या है 11वीं की? अच्छा, गौसे आजम के नाम पे जान कौन कौन दे देगा? अरे है वाह भाई वाह, मेरे प्यारो अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे। हैं, नबी के जिक्र से रूह को गरमाना चाहिए, नबी के जिक्र से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए, बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना। 11 लोग ऐसे हों जो पक्के, जो गौसे आजम से मोहब्बत करें, खड़े हो जाएं 11 लोग। पहले ग्यारह इधर आओ, आप बैठ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, आप भी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आपसे बाद में मिलेंगे, आ जाओ 11 लोग, आ जाओ 11, आप भी बैठ जाइए चाचा, आप भी बैठ जाइए, आपसे बाद में मिलूंगा, आप आ जाइए, आप आइए 11 लोग। और कौन है भाई? आप उठे थे ना, तुम भी उठे थे, उठो, ए उठो, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली
खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसे एहसास खुद अपने बदलने का। इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला भी उस कौम के हालत बदलने का इरादा नहीं करता जब तक वो कौम खुद बदलने का इरादा। गौसे आजम से मोहब्बत करते हो ना, कितने हो गए? दो, दो चार, दो छः, सात, और कौन है? आठ, आठ, आठ हो गई है। इधर आ जाओ, तुम हट जाओ। और कौन है? और कौन आ रहा था? आ जाओ, कौन आ रहा है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप तो इधर आ जाओ मेरे प्यारो। कितने हो गए? ग्यारह हो गए, ग्यारह हो गए। कितने हो गए? दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, ग्यारह। सुनो, हट जाओ आप भी, हट जाओ। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दस, ग्यारह हो गए ना, ग्यारह हो गए। कसम खुदा की गौसे आजम की मोहब्बत में कहो, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाल्लाह का हो। और सुनो, इसलिए मत कहना इनके सामने, ये देखो कि मेरे गौसे आजम देख रहे हैं, मेरा खुदा देख रहा है। बताओ, आज से अपने चेहरे की दाढ़ियों को नहीं मुड़ाओगे? अरे कायनात कह रही है कि हैंडसम नहीं हो, कसम खुदा की कायनात में सबसे ज्यादा चलो आला और हैंडसम और खूबसूरत अगर कोई है तो वो दाढ़ी वाला अमीना का लाल है। दाढ़ी वाला अमीना का लाल है। तो बताओ, मोहब्बत में दाढ़ी रखोगे ना जी? आज के बाद नहीं मुड़ाओगे ना? क्या हो या रसूल अल्लाह? हार कहाँ है? हार, हार कहाँ है? हार दीजिए, हार कहाँ है? हार जो थे, हार कहाँ है आज? कसम खुदा की, अरे माशाल्लाह। सैयद अली मुल्कादरी साहब, सैयद अली मुल्कादरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सैयद अली मुल्कादरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मंडैया की सरजमी, मंडैया की सरजमी, सैयद अली मुल्कादरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, या गौस, या गौस, या गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद अली मुल्कादरी साहब, सैयद अली मुल्कादरी साहब, नारे तकबीर। आप जरा तशरीफ रखें, यहाँ पे बैठ जाएं, पास में बैठ जाएं, बिल्कुल मिलकर बैठेगा। आप रब तशरीफ रखें, बैठ जाएं, आप रब बैठ जाएं, बिल्कुल मिलकर बैठ जाएं, आप जरा बैठ जाएं, बैठ जाएं, बाद में इंशाल्लाह बाद में मिलूंगा, बैठ जाएं आप जरा। जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बैठो, आगे आइए, आगे आ जाएं, आगे आ जाइए आप जरा। कसम खुदा की, ये 11 कहां है? लाइन में खड़े हो जाओ, ये 11 लाइन में खड़े हो जाओ, इधर ये 11 लाइन में खड़े हो जाओ। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? कसम खुदा की, आज इस स्कूल को गौसे आजम ने चुन लिया है, आज मुस्तफा ने चुन लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके स्कूल को चुना और आपको भी चुना है कि आज आप सुन्नते मुस्तफा पर अमल करेंगे, दाढ़ी रखेंगे। ए मेरे प्यारो, ए मेरे प्यारो, गौसे आजम का करम देखो, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो फरमाते हैं, अरे मेरा जिक्र वही जबाने करती है जिन जबान को मैं इजाजत दे देता हूं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। अब बताओ, गौसे आजम के गुलाम और हैं? हाथों को उठाएं। गौसे आजम ने नमाज छोड़ी कभी? गौसे आजम ने नमाज छोड़ी? नमाज नहीं छोड़ी है गौसे आजम ने नमाज नहीं छोड़ी है। क्या बता दूं आपको, एक बाकिया करके बात को खत्म कर रहा हूं और कुछ आपको तोहफा देना चाहता हूं मेरे प्यारों। अरे सुनो गौसे आजम जो है तपती हुई सेरक में बगदाद के जंगल में है, अचानक एक बादल आया और बादल उसने आपके ऊपर साया कर लिया। आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी, हम तेरी
इबादत से, हम तेरी रियाजत से इतने खुश हो गए हैं, इतने मसरत हो गए हैं। अरे सुन ले कि हमने जो है तेरी तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अरे हमने तेरे तमाम इबादत को कबूल कर लिया है, और जो तेरे लिए हराम चीजें हैं वो हलाल कर दी है, नमाज तुझसे माफ कर दी है। जब ये बात आई गौसे आजम के कानों में तो सोचने लगे, नमाज तो मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज तो मोमिन की मेराज है, नमाज तो दीन का सुतून है, नमाज तो मेरे आका की आंखों की ठंडक है। जब मेरे आका पर नमाज जो है माफ न हुई, अरे सब तुम्हारे उम्मतियों पर पांच वक्त की नमाज पर मेरे आका पर छह वक्त की नमाज पर थी। ए मेरे प्यारो, कहने लगे जब अबू बकर से नमाज माफ न हुई, जब उमर से नमाज माफ न हुई, अरे जब उस्मान से नमाज माफ न हुई, जब अली से नमाज माफ न हुई, जब हसन से नमाज माफ न हुई, जब हुसैन से नमाज माफ न हुई, तो ये अब्दुल कादिर जीलानी तो अरे जो है उनके गुलाम का गुलाम है, इससे नमाज कैसे माफ हो सकती है। कहने लगे अरे ये कोई निदा नहीं है, तो मुझे शैतान मालूम होता है। और लाहौल पड़ा, अरे बादल छट गया, आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जीलानी आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौस फरमाते हैं, ए फरेब देने वाले इब्लीस जाते जाते मुझे फरेब में मुब्तला करना चाहता है, मेरे इल्म तो तेरे पास भी बहुत था, अरे आज अब्दुल कादिर को इल्म ने नहीं बचाया बल्कि अल्लाह के करम ने बचाया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आलिम कादिर साहिब अबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारो बताओ फजर कौन कौन पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे ना, बोलो सब पढ़ेंगे। अच्छा सुनो, गौसे आजम की वालिदा जो थी, गौसे आजम अपनी माँ से मोहब्बत करते थे या नफरत? अपने माँ बाप की इज्जत करते थे या बेइज्जती? बताओ, वो लोग जिन्होंने अपने माँ बाप को सताया, इस जलसे में एहद करके जाएं, पीरों के हाथ चूमते हो, उलमा के हाथ चूमते हो, जिस माँ के कदमों की के नीचे जन्नत है, उस माँ के कभी कदम भी चूम लिया करो, अपने बाप की दस्तबोसी भी कर लिया करो प्यारे, हैं? बड़ी बड़ी चादरों को चूमते हो, बड़े बड़े मजारों को चूमते हो, ये मजार वाले जब तक खुश नहीं होंगे, जब तक तुम्हारे वालिदैन खुश नहीं होंगे, जब तक अल्लाह भी कहा रिजाउल्लाह फी रिजाउल वालिदैन वसकतुल्लाह फी सकतिल वालिदैन, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। तो दोस्तों शर्म मत करना, उन तौबा कर लेना, उनके कदमों में गिर जाना। अगर जब नजरे करम होंगी ना, नजरे करम होंगी तुम्हारे माँ बाप की, जब माँ की दुआ फरीदुद्दीन को वो कमाल देती है कि वो जिसे देखते हैं मुसलमान हो जाता है। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हक में दुआ कर दी, अल्लाह ने कबूल कर दी, तो दुनिया में तो भी कामयाब तो रहोगे ही, कल नबी के सामने भी नजरों को झुकाओगे नहीं। मेरे नबी कहेंगे देखो मेरा प्यार, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे नहीं करेंगे, बड़ों का कहना मानेंगे? और ये उलमा जो है इमाम साहब, इनको डांटोगे तो नहीं है? ये बड़ा मसला है, जिसकी कहीं नहीं चलती है मस्जिद में चलती है, अरे इमाम साहब लौटा इधर है, इमाम साहब जाला भाई, इमाम है ये तेरे घर का गुलाम है, हैं? कसम खुदा की जब से तुमने इमामों को नौकर समझा ना, तो दुनिया के तुम नौकर बन गए हो, हर कहीं चेकिंग तुम्हारी चल रही है, एयरपोर्ट पे चेकिंग तुम्हारी, अरे सुन लो प्लेटफॉर्म पे चेकिंग तुम्हारी। मैंने पूछा ये चेकिंग की वजह क्या है, ये ताली वाला तो वो होता था अरे जिसे देख कर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लेते थे और कहते थे जब इसके किरदार और अखलाक का ये आलम है तो इसके नबी के अखलाक और किरदार का आलम क्या होगा। अरे मुस्तफा की तालीमात को अमल कर लो,
मुस्तफा के तालिबात अपनी जिंदगी में संभालो। और ये कहना चाहता हूँ, गैर को अखलाक से अपना बनाकर देख ले, रंजो गम के साए में भी मुस्कुरा कर देख ले, देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, पहले खुदा के सामने सर को झुका कर देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला कमेटी को तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबका इकबाल बुलंद फरमाए, अल्लाह आपको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन वा अतूबु इलैह, वमा अलैना इल्ला अल-बलाग, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। इंशाअल्लाह जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात इंशाअल्लाह। अभी हमारे शायर साहब कलाम पढ़ेंगे, उसके बाद सलातुस्सलाम।